नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अनिल कश्यप। दोस्तों, आप में से अगर किसी को सेंसिटिविटी की शिकायत हो गई है, आपके दांतों में ठंडा और गर्म लगने की समस्या हो गई है, जब भी आप कुछ खाते पीते हैं तो आपके दांतों में झंझनाहट सी पैदा होती है, तो इस प्रकार की समस्या अगर आपको हो रही है तो आज आपकी परेशानी पूरी तरीके से ठीक होने वाली है, क्योंकि आज कुछ ऐसी मेडिसिन हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसके इस्तेमाल से आप अपनी परेशानी को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप में से अगर किसी को सेंसिटिविटी की शिकायत है, आपके दांतों में ठंडा और गर्म लगने लगा है, जो आपके दांत है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं ठंडी चीज़ों को लेकर और गर्म चीज़ों को लेकर, जब आप जैसे चाय वगैरह पीते हैं तो आपके दांतों में झंझनाहट सी पैदा होती है, या आप जैसे ठंडा पानी वगैरह पीते हैं तो आपके दांतों में झंझनाहट होती है, आपके दांत सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो गए हैं ठंडी और गर्म चीज़ों को लेकर, तो इस प्रकार की दिक्कत अगर आपके साथ हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हम आपको बताने वाले हैं, जिनकी सहायता से आप अपनी परेशानी को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, थोड़ी सी बात करते हैं, आखिर दांतों में झंझनाहट क्यों होने लगती है, जो दांत है हमारे सेंसिटिव क्यों हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है, जो हमारे दांत होते हैं उसकी बाहरी जो लेयर होती है उसको इनेवल कहा जाता है। किसी वजह से जो इनेवल है वह घिस जाए, तो जिसके वजह से हमारे दांतों में ठंडा और गर्म लगने की समस्या होने लगती है। दोस्तों, इसके घिसने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रश का इस्तेमाल करते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, या जिन लोगों को पाइलिया की समस्या होती है तो उनके दांतों में भी इस प्रकार की समस्या हो सकती है, या जो लोग अपने दांतों को बहुत ज़्यादा गंदा रखते हैं, जैसे जो लोग गुटखे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तंबाकू वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के साथ भी इस प्रकार की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, या जो लोग बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाते हैं, जिन चीज़ों में एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, कुछ लोग अगर इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है उनको आगे चलकर दांतों में सेंसिटिविटी की शिकायत हो जाए, जो दांत हैं उनमें झंझनाहट सी पैदा होती है जब वह कुछ ठंडा और गर्म खा ले। तो दोस्तों, ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से जनरल तौर पर दांतों में झंझनाहट या सेंसिटिविटी की शिकायत देखने को मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, होम्योपैथी में किन दवाओं के द्वारा आप सेंसिटिविटी की शिकायत को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो पहली मेडिसिन है होम्योपैथिक लॉर्डेंट टूथपेस्ट आता है, दांतों में सेंसिटिविटी को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव ये टूथपेस्ट है। दांतों में सेंसिटिविटी के साथ साथ बहुत सारी दांतों की परेशानी को भी ठीक करने का काम ये टूथपेस्ट करता है। जैसे जो हमारे टीथ हैं वह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं ठंडी और गर्म चीज़ों के प्रति, जब हम कुछ ठंडा खाते हैं या गर्म खाते हैं तो हमारे दांतों में झंझनाहट सी पैदा होती है, तो इस प्रकार की दिक्कत को ठीक करने का काम लॉर्डेंट टूथपेस्ट करता है। साथ ही साथ अगर किसी के दांतों में दर्द रह रहा है या मुंह से बैड स्मेल आ रही है तो उसको भी ठीक करने का काम ये टूथपेस्ट करता है, पायरिया की शिकायत को भी ठीक करने का काम ये टूथपेस्ट करता है। दोस्तों, अगर बात करें अगली मेडिसिन के बारे में, तो दोस्तों जो अगली मेडिसिन है मर्क सॉल्ट 30। दोस्तों, जो मर्क सॉल्ट मेडिसिन होती है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी और इफेक्टिव दवा है सेंसिटिविटी को ठीक करने की। अगर आपके दांतों में ठंडा और गर्म लगने की समस्या है, आपके दांतों में झंझनाहट पैदा हो रही है, तो उसको ठीक करने के लिए आप मर्क सॉल्ट मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी जो मेडिसिन है दांतों में दर्द की समस्या को भी ये मेडिसिन ठीक करती है। अगर बात करें इसकी डोज के बारे में, तो 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं अगली और लास्ट मेडिसिन के बारे में, तो दोस्तों जो अगली मेडिसिन है प्लैंटैगो क्यू। दोस्तों, जो प्लैंटैगो मेडिसिन होती है सेंसिटिविटी की बहुत ज़्यादा अच्छी और इफेक्टिव दवा है। अगर किसी के दांतों में सेंसिटिविटी की शिकायत हो गई है, दांतों में ठंडा गर्म लगने लगा है, पायरिया की शिकायत हो गई है, दांत काले पीले हो गए हैं, काले होकर टूटने लगे हैं, दांतों में कीड़ा लग गया है, दांतों में दर्द रहने लगा है, तो दांतों की लगभग हर परेशानी को ठीक करने का काम प्लैंटैगो मेडिसिन करती है। बात करें इसकी डोज के बारे में, तो दोस्तों प्लैंटैगो का मदर टिंचर आपको इस्तेमाल करना है, और इसकी 10-10 बूंदें सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लेनी है। इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। इस मेडिसिन को तब तक लीजिए तब तक आपकी परेशानी ठीक ना हो जाए। तो दोस्तों, कुछ मेडिसिन थे जिनकी सहायता से अगर आपको सेंसिटिविटी की शिकायत हो गई है, आपके दांतों में ठंडा और गर्म लगने लगा है, तो उसको इन दवाओं के द्वारा पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।